वेलकम टू दी आरआरआर और आज के वीडियो में होगा द मिठाई बैटल हल्दीराम प्रभु जी वर्सेस तिवारी ब्रदर्स। आप सही ना पे सर मैं किसान तो आता नहीं। नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आपका आरआरआर के दिवाली स्पेशल वीडियो में विद द न्यू दीवार। भारत में दिवाली सुनते ही दिमाग में सबसे पहले मिठाई और पटाखे ही दिमाग में आते हैं, क्यों? ये बात तो बहुत सही कही है। और याद है बचपन में कैसे हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते थे कि सावधानी से पटाखों को फोड़ना है और कैसे किसी के ऊपर नहीं फेंकना है। काफी जिम्मेदार हैं हमारे बुजुर्ग। हालांकि हम यहाँ पे दिवाली में जलने वाले पटाखों के बारे में नहीं बल्कि वहाँ पे बनने वाले पकवानों के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वाला वीडियो। बट अगर अभी तक आपने दिया आरआरआर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर क्या रहे हैं, आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के आपको अपडेट्स मिलते रहे और आप जल्द से जल्द उसे देख लें, हमसे पहले ही देख लें, निकलने से पहले ही देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे कोलकाता में हैं क्योंकि दिवाली हम लोग कोलकाता में मना रहे हैं। तो यहाँ के दो सबसे राइवलरी स्वीट ब्रांड्स हैं हल्दीराम प्रभु जी और तिवारी। हालांकि प्रभु जी हल्दीराम प्रभु जी बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक पूरा इंडिया में, पूरे इंडिया में फेमस है, बाहर भी लाइक दुबई वगैरह में भी। हाँ, इनके स्नैक्स जाते हैं। बट तिवारी इज़ लोकली वेरी फेमस, मतलब यहाँ के मतलब लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सो तिवारी को कम मत समझिएगा व्हेन यू कम टू कोलकाता। इनफैक्ट यहाँ पे फुटेज है तिवारी के जस्ट ऑपोजिट हल्दीराम प्रभु जी, ये बड़ा बाजार है, बड़ा बड़ा शोरूम है, प्लस इनके साइन बोर्ड्स भी बहुत सही है। तो एकदम आमने सामने है, टक्कर चलते रहती है, इनके कस्टमर कभी वहाँ पे, इनके कस्टमर कभी यहाँ पे। तो आज का वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज हल्दीराम प्रभु जी और तिवारी ब्रदर्स को भिड़ाने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं यहाँ का, बट कभी वैसे नहीं देखा है कि ये दोनों कंपैरिजन में कैसा लगेगा, किसका बेटर है। और अब जो कि हम लोग बहुत अच्छे फूड रिव्यूअर्स हैं तो करिए लेते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग करने के वाले आपको जल्दी से बता दें, हम लोग दोनों दुकानों से छः छः डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्वीट्स एंड स्नैक्स लेकर आए हैं। आगे और बताएगा क्योंकि पकवान में वही है इंटू नहीं, मैं बनाता हूँ बट चुप। तो आज के वीडियो में हम लोग जो छः स्नैक्स लेके आए हैं उसके जल्दी से बता देते हैं आपको। काजू बर्फी है, ये सभी जानते हैं, कलाकंद सभी जानते हैं, ये परवल वाला मिठाई है जो शायद कुछ लोगों के लिए नया होगा। तो परवल को क्या कहते हैं, हाँ, बट मिठाई उसका काफ़ी अच्छा होता है सरप्राइजिंगली, क्योंकि मुझे भी परवल पसंद नहीं है, पर इसे साफ करके जब चाशनी में उबाल के और इसमें अच्छा सा खोया का फिलिंग भरा जाता है तो उसमें चेंज हो जाता है, काफ़ी चेंज हो जाता है, तो अच्छा लग सकता है किसी किसी को परवल का थॉट से ही अजीब सा लगता है तो खाते ही नहीं है। बट मैं रेकमेंड करूंगा एक बार खा के देखिए। और फिर हमारे पास है गुलाब जामुन जो वर्ल्ड फेमस है, और फिर है हमारे पास गुजिया और उसका एक अलग वर्जन जो कि हम लोगों को तिवारी से मिला था चंद्रकला, क्योंकि वो गुजिया नहीं लग रहे थे। सो इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर बट देखते हैं, वो डिफरेंस भी पता चली जाएगा, बट खोआ होते सिमिलर ही है दोनों को। और फिर है समोसा, ये सब जानते हैं और बोला जाता है कि घी में तलते हैं। सो इट्स अ वेरी इवन प्लस फियर्स बैटल बिटवीन हल्दीराम प्रभु जी एंड तिवारी ब्रदर्स। तो शुरू करते हैं टेस्टिंग। तो शुरू करते हैं काजू बर्फी से, पटाख से कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ये है तिवारी का, बेटर लग रहा है हल्दीराम से, बड़ा भी है थोड़ा। अच्छा है वही, ये लोग दोनों बहुत ही ज्यादा टक्कर के हैं। इससे अलग अलग ही फ्लेवर आ गया अचानक से। दिस इज स्वीटर, ये ज्यादा मीठा है, थोड़ा सा ज्यादा मीठा है। प्लस इसका टेक्सचर स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, उससे एक अलग फीलिंग भी आ रहा है हल्दीराम का। या मेरे को हल्दीराम बेटर लग रहा है। सेम, इसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा है इससे, इसीलिए वरना टेस्ट दोनों का अच्छा है ऑब्वियसली, पर वही है बेस्ट कौन है 19 और 20 में, 20 कौन है। हल्दीराम का छोटा था थोड़ा बट अच्छा था उसका देखने में, आपको तिवारी का ज़्यादा ये लगेगा, मतलब सिमेट्रिकल लगेगा, प्लस इसका डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, वर्क अच्छे से दिया हुआ है, बट हल्दीराम मार गया बाजी। अब बारी है कलाकंद,
ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, अभी भी है थोड़ा बहुत। वह नहीं भाई, तिवारी मानना पड़ेगा, वो तो है। नो वंडर वहाँ इतना भीड़ क्यों लगा रहता है, आप जब भी जाओगे भीड़ ही भीड़ भाई, मतलब मिठाई के लिए लड़ाई हो रहा है लिटरली। कलाकंद में हल्दीराम का 4-5 रुपये ज़्यादा है तिवारी से, थोड़ा सा मीठा है, बट मेरे को जैसा कलाकंद पसंद है वो तिवारी का बेटर लग रहा है। इसमें थोड़ा कोकोनट वाला फ्लेवर क्यों आ रहा है पता नहीं, आपको भी आ रहा है पर थोड़ा सा, और नहीं मेरे को नहीं, पर वो टेक्सचर आ रहा है, वो ग्रेन्स जो होता है ना कोकोनट का वैसा आ रहा है। बट तिवारी का बेटर है बिकॉज ये थोड़ा ओवरडन लग रहा है, मतलब ऐसे बहुत काम कर दिया है कलाकंद के ऊपर। तिवारी का स्ट्रेट सिंपल है, हालांकि दिखने में हल्दीराम मिल गई हूँ, सारे ही स्वीट्स में हल्दीराम बेटर है, बट टेस्ट वाइज देखा जाए जैसा कलाकंद को होना चाहिए, सिंपल डेरी और स्वीटनेस तिवारी इज गुड। सो माई वोट गोज फॉर, तभी तक 1-on-1 पे चल रहा है, गुड नाइस। ओके परवल का मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता है, जो लोगों को नहीं देखा है देखिए, बहुत सुंदर सा ग्रीन हो जाता है हल्दीराम, एंड ये है तिवारी का। मतलब अगर आपको याद है कि परवल कैसा दिखता है बाजार में, और उससे ऐसा ग्रीन, यू नो, और देख के यार, देख के जनरली क्या होता है ना, देख के ऐसा लगेगा कि तिवारी का थोड़ा सा डल है और प्लेन जाएगा, और ये ज्यादा ग्रीन और प्लस प्रीमियम लग रहा है। हाँ तो इसका परवल का रेट है 27 रुपीज फॉर तिवारी, और हल्दीराम का 38 रुपये, मतलब 11 रुपये ज़्यादा भाई साहब। आई एम एक्साइटेड, इतना दाम। चलो यार, चलो ठीक है। एक बाइट है इसमें मुरब्बा की तरह, थोड़ा स्टिफ है, एक क्रंच है इसमें, मतलब अगर आपको बाइट पसंद है तो वो आएगा इसमें। एंड ये थोड़ा परवल के साइड में थोड़ा इंक्लाइन कर रहा है इसका टेस्ट, लाइक एक वेजी वाला फील दे रहा है, नहीं जस्ट बाइट के वजह से वैसा फील आ रहा है, बट मतलब वैसा नहीं है कि बिल्कुल ही परवल जैसा लग रहा है, ना बिल्कुल नहीं, बट थोड़ा सा एक हिंट आ रहा है। ओके दिस लुक्स वेरी नाइस, हल्दीराम का परवल वाला मिठाई लुक्स रियली वेरी नाइस, दोनों में खोया का फीलिंग है इसमें ज़्यादा है आई गेस। दिस इज सो फकिंग सॉफ्ट, 11 रुपये जस्टिफाई करता है या नहीं ये मेरे को पता नहीं, बट टेक्सचर में दिस इज बेटर, अंदर का फिलिंग में भी इट्स आई थिंक बेटर इन सम वे, या एग्जैक्टली, क्लीन विनर है भाई, काजू वाली आई कैन फील, यू नो उसमें नहीं था, क्रंच भी है थोड़ा सा, कुछ क्रंची बिट्स भी है इसमें, या क्लियर बनो। सो 2-1 ओके नेक्स्ट है गुलाब जामुन, थोड़ा सा पैलेट क्लेंस कर लेते हैं। गुलाब जामुन मैं तिवारी पहले टेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज दिखने में ये थोड़ा अंडरवेलमिंग है, तो इसको पहला चांस देना चाहिए। गुलाब जामुन बहुत अच्छा है तिवारी का। कितने का है तिवारी का? आई थिंक 14.5 ना, नहीं 17 रुपीज, 17 रुपये का गुलाब जामुन है ये, अच्छा है काफ़ी अच्छा है। हल्दीराम 20 रुपये का है, इसमें सी क्या करते, बिकॉज अभी तक हल्दीराम अपने प्रेजेंटेबिलिटी में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ओके इसको बाइट लेते इतना सॉफ्ट और इतना सही बाइट आता है ना, कि प्लस यू कैन टेस्ट द रिचनेस एम फ्लेवर, और मैं दिखा देता हूँ आपको अगर आपको दिख जाए, इसमें कुछ फिलिंग भी है। क्या होता है वो एक्चुअली में, लाइक नट्स मावा, कई बार गुलाब जामुन में गुलकंद भी भरते हैं, पर इसमें जैसा दिख रहा है लाइक यू कैन सी पिस्ता प्लस केसर भी है, केसर है मावा सही है। अगेन हल्दीराम 3-1 तिवारी, लेकिन टक्कर दे रहा है भाई, टक्कर तो दे रहा है ऑब्वियसली, इसलिए बट वही है ना, हम लोग यहाँ पे 19-20 का टक्कर करवा रहे हैं, कौन सा 19 है कौन सा 20 है अभी तक, टक्कर एग्जैक्टली। नेक्स्ट है अपना चंद्रकला एंड गुजिया,
चंद्रकला कहाँ से है? तिवारी से. तिवारी से. और गुजिया इज फ्रॉम हल्दीराम. फ्राइड मैदा इज ऑलवेज टेस्टी. हेल्दी तो मैं बोलूंगा नहीं, बट इट्स गुड. अच्छा है चंद्रकला में. खोया है ना. लाइक वेरी गुड. खोया है, बादाम है, किशमिश है. वेरी नाइस. आई लाइक. गुड जॉब. नाइस. अब बस वही है कि ये सरप्राइज ना कर दे. अभी तक वही होता है. ये अच्छा है, ये उससे भी अच्छा है. यार ये मसालेदार है. सौंफ का आ रहा है. आई कैन सी सौंफ. तो इन दोनों में कंपैरिजन हो सकता है. लाइक वो थोड़ा स्वीट था. सी कैटेगरी तो एक ही है. मैदा है, खोया है, इसमें फिलिंग है. इसमें भी वही है, जस्ट फ्लेवर थोड़ा चेंज है. भाई सी इसमें ऐसा है कि अगर मेरे पास पैसा है तो आप क्या लेंगे दोनों में से? क्या लेंगे? मैं गुजिया लूंगा. मैं भी. भाई मसाला है उसमें, मतलब मीठा भी है एंड थोड़ा चटपटा भी है. आपको सॉफ्ट वॉफ भी अंदर का लाइक फीलिंग आ रहा है. लाइक ऐसा नहीं कि ओवर, बट एकदम सेटल. जितना चाहिए, इनफैक्ट उतना चाहिए. मैदा का यू नो जो एक मोनोटोनस टेस्ट होता है तला हुआ मैदा का, और फिर खोया पे रिच हो जाता है. सॉफ्ट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा यू नो एज ऑफ फ्लेवर. राइट. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार. हालांकि टेक्निकली यहाँ पे हल्दीराम जीत चुका है, तो अब बचा है सिर्फ समोसा. एंड यू नो तिवारी का समोसा इज रियली वेरी फेमस. इनफैक्ट ऐसा है कि हल्दीराम से ज़्यादा फेमस तिवारी का समोसा है कलकत्ता में, मेरे लिए तो. बिकॉज एकदम घी में तला जाता है, प्लस इसका मसाला इज वेरी फ्लेवरफुल. मैं खा रखा है, बट ये मैंने नहीं खाया है ऑनेस्टली. हल्दीराम का समोसा नहीं खाया है, तो न्यू और इट्स इंटरेस्टिंग. हल्दीराम का समोसा के साथ और एक चीज है कि आपको चटनी मिलता है उसके साथ. हाँ, तिवारी से नहीं मिला था, पता नहीं हम लोगों ने मांगा नहीं था, पर देना चाहिए था. हल्दीराम इज मोर सिंसियर विद इट सेवरी स्नैक्स. तो तिवारी इसका थोड़ा सा हार्ड है शेल. ब्राउन एंड टेस्टी. मैं तो सिंघाड़ा खाता नहीं, बट अच्छा मतलब कलकत्ता का जो पुचका का आलू का फ्लेवर होता है ना, एक भुना काला मसाला होता है यहाँ पे, जिसमें ना जीरा का फ्लेवर आता रहता है, और बहुत अच्छा जीरा का फ्लेवर. इट्स नाइस. इसमें मटर है, प्लस यू कैन हैव दैट चंक्स ऑफ आलू. मतलब एकदम स्पाइसेस नहीं है. हाँ, बहुत स्पाइसेस. सही है. लाइक कलर करेक्ट. करेक्ट क्या? अमाउंट बैलेंस. करेक्ट बैलेंस के साथ सारे स्पाइसेस को मिला. आलू का कलर एकदम यू नो रेड और ब्राउन के बीच का है, डार्क. इट इज वेरी टेस्टी. तिवारी गुड जॉब मैन. मैंने पहले भी खा रखा है एंड आई एम ग्लैड कि अभी तक वैसे ही टेस्ट करता है, प्लस एक नॉच भी नीचे नहीं गिरा है. एक आधा घंटा हो गया लाइव है, बट तिवारी का शेल वॉज यू नो क्रंची. इसका थोड़ा सॉफ्ट पड़ गया. इज इट बिकॉज ऑफ घी? आई डोंट नो. लेट्स टेस्ट. इसका भी कलर वैसे ही है फिलिंग का, जैसा तिवारी का था. यार मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है तिवारी के लिए. बोलना ही नहीं है. फिर से मैं सिंघाड़ा ज़्यादा खाता नहीं, बट इसमें कुछ बात है. तिवारी का
सिंघाड़ा के बारे में बता रहा हूँ, ये 23 रुपए का है और ये है 19 रुपए का, बट ये बेटर है यार काफी। आई मीन मैं बता रहा हूँ बिकॉज देखिए इसका शेल और इसका शेल, इसका ज्यादा मैदा है ठीक है, आलू सॉलिड है, कोई दो राय नहीं है, बट वही है 19-20 का जब मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, इसका शेल पतला है, इसका आलू इज फिल्ड एकदम मतलब ऊपर तक, जहाँ शेल है वहाँ तक आलू है, सो दिस इज वेरी नाइस। प्लस इसका आलू मेरे को तिवारी से बेटर लगता है, लाइक इस ये खाने के बाद ना ये थोड़ा सा ब्लैंड साइड में लग रहा है, इसमें लाइक मैं क्या बताऊंगा एकदम सही है, एकदम सही बैलेंस है, हल्दीराम पता नहीं कैसे बनाता है यार इतना अच्छा। एंड प्लस ये लोग मास प्रोड्यूस करते हैं, एग्जैक्टली ये लोग हजारों हजार पीस में लाइक बनाते हैं, इनके डब्बे जाते हैं एंड हर एक लाइक पीस में वैसा टेस्ट एकदम सेम है, इट्स अमेजिंग। दिस वाज हेल्पफुल, मतलब ये जो हम लोग रिव्यू करते हैं ऐसे मजा आ जाता है, बट यू नो काफ़ी जानकारी मिल जाती है, कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज कन्फ्यूज रहते कई लोग तिवारी जाना चाहिए और कभी साथ में टेस्ट नहीं करते हैं, पिछले वीडियो में भी जैसे बिरयानी में किया था साथ में टेस्ट किया तो पता चला कि अच्छा इसका ऐसा होता है इंग्रेडिएंट्स, और ये जब साथ में टेस्ट कर रहे हैं तो समझ एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई क्या कमी है क्या ज़्यादा है एंड क्या बैलेंस में है, एकदम परफेक्ट व्यू मिलता है। मतलब अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा भी है और हल्दीराम मेरे से ज़्यादा ले रहा है तो क्योंकि देखिए ये दोनों ही प्रीमियम ब्रांड्स हैं, मतलब अगर 19 रुपए का समोसा खा रहे हैं जहाँ पे बाहर में 5 रुपए का है 7 रुपए का है 10 रुपए का आ जाता है, आप एक समोसा के लिए 19 रुपए दे रहे हैं 23 रुपए दे रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपको टेस्ट बेटर मिले तो अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं हल्दीराम को दूंगा यहाँ पे, ऑल्दो कलाकंद हल्दीराम थोड़ा सा ओवर कर दे रहा है यहाँ पे, एक चीज रह गया तिवारी बेटर। एक नेक्स्ट सेशन निकालेंगे जैसे लड्डू वगैरह करेंगे उसमें, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था ये, आई होप आपको पसंद आया हो, हम लोग बहुत मजा आया, काफी क्लैरिटी मिला कहाँ पे जाना है नहीं जाना है और क्या चीज कहाँ से खाना है, एंड वर्थ इट, इज वर्थ इट। तो ये था आज का हमारा दिवाली स्पेशल वाला वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें एंड दी आरआरआर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपने कभी तिवारी या हल्दीराम के बीच में कभी कुछ खाया है एंड व्यूज शेयर करें एंड ये भी बताएं एंड ये भी बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए और किसके बीच में टकरावट, बिकॉज आप लोगों का सजेशन हम लोग को बहुत हेल्प करता है। अभी हाल ही में हमने 2 वीडियोज बनाने का सोचा है जो हमें रिक्वेस्ट आया है, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, आपका सजेशंस हम लोग को काफ़ी एक अच्छा डायरेक्शन देता है एंड हम लोग को भी काफ़ी अच्छा आइडियाज आता है, सो प्लीज़ फिल दैट कमेंट सेक्शन विद योर सजेशंस, वी आर हियर टू हियर फ्रॉम यू। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज गाइज, प्लीज़ आप लोग दिवाली में रिस्पॉन्सिबिली प्रैक्टिस बस करें बिकॉज क्लाइमेट बहुत ज़्यादा खतरे में है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, अगर आप न्यूज़ देखें तो आपको पता चलेगा, एंड थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें और ऐसे नहीं जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे हमने वीडियो में दिखाया है वैसे सिखा दें, आप लोग प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें और बड़ों के गाइडेंस में करें। आई होप यू हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली, तो मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सावधान सुरक्षित रहें और इस दिवाली के मौके पे बहुत 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 खुश रहें। जय श्री।